छिंतलपुर नाम के गांव में सिंघम नाम का एक मछुआरा रहता था। वैसे तो सिंघम बहुत गरीब था, लेकिन वो मुसीबत में पड़े लोगों की मदद बिना सोचे करने के लिए चला जाता था। रजनीकांत सिंघम का बचपन का दोस्त है। दोनों बहुत ही पुराने दोस्त है, लेकिन रजनी सिंघम से बिल्कुल अलग है। सिंघम जितने अच्छे दिल से लोगों की मदद करता है, रजनी उतना ही लालची है। सिंघम, तू अभी तक मछलियाँ पकड़ने के लिए तालाब नहीं गया? मैं जाकर पकड़ कर भी ला रहा हूँ। ऐसे रहा तो तुम्हारा व्यापार कैसे चलेगा? काहिर में जा रहा हूँ। मैंने पहली सुबह को ही उठकर चला गया था रजनी। एक व्यापारी आया था, उसने ही सारी मछलियाँ खरीद ली। अब कुछ ही बची है, वो बाद में बेच लूंगा। वो बात सुनकर हैरानी में जलने लगता है रजनी। ची, इसे जब भी हराने की कोशिश करता हूँ, ये मुझसे चार कदम आगे निकल जाता है। एक ना एक दिन इससे बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। ऐसे बिना कुछ कहे वहाँ से बाजार चला जाता है रजनी। उसके बाद सिंघम अपनी बची हुई मछलियाँ बेचने के लिए जाते वक्त उसे रास्ते में एक घायल सांड नजर आता है। अरे रे, इसके पैर में तो काफी चोट लगी है, ये तो ठीक से चल भी नहीं पा रही है। ये कहते हुए उसके पास जाकर अपना कपड़ा फटकर उसके जख्म पर बांधता है। उसे कुछ देर के लिए अपने घर ले जाकर पानी देता है और खाने के लिए घास भी डालता है। ऐसे वो उस दिन अपने व्यापार के लिए गए बिना सारा दिन उस सांड का ख्याल रखता है। अगले दिन सुबह, ओ सिंघम, क्या बात है, कल व्यापार करने क्यों नहीं आया? हाँ रजनीकांत, मैं बाजार ही आ रहा था, लेकिन। ऐसे वो रजनी को जो कुछ भी हुआ वो सारी बात बता देता है। तभी रजनी, ये क्या पागलपन है रे तेरा, ऐसे रास्ते में नजर आने वाले हर किसी की मदद करके बैठ गया तो जिंदगी कब बनेगी? मैं तुझे नहीं बदल सकता। बेजुबान जानवर है ना वो। ठीक है, चल समंदर में। किस समंदर में? कल कुछ सरकारी अफसर आए थे, उन्होंने 2 दिन तक समंदर में जाने से मना किया है, इसीलिए सभी मछुआरे रात में समंदर में जाकर आ गए हैं। सिर्फ तुम ही रह गए हो। ये कैसे हो गया है मेरे भाई, अब क्या होगा? 2 दिन तक गुजारा कैसे होगा? कम से कम जानकी की दवाइयों के लिए तो पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। ऐसे बेकार की मदद करके बैठ गए तो ऐसे ही होगा दोस्त। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाबी का ख्याल रखना। आहा, आखिरकार आज मैं इससे ज्यादा कमाने वाला हूँ। सिंघम की पत्नी का नाम जानकी है। जानकी की तबीयत काफी दिनों से खराब है, इसीलिए सिंघम ही दिन रात मेहनत करके जानकी के लिए दवाइयाँ लेकर आता है और एक दो वक्त का खाना खाने जितना कमाता है बस। मजबूर होकर वहीं पर बैठ चुके सिंघम को देखकर, दोस्त, मैं जब मुसीबत में था तब तुमने मेरी जान बचाई थी, अब मैं भी तुम्हारी मदद करने की समय आ गया है। मैं एक जादुई जीव हूँ। ये कहते हुए वो सिंघम को अपने ऊपर चढ़ने के लिए कहता है। सिंघम उसकी बात मानकर चढ़ जाता है। तभी उस सांड के पंख निकलकर आते हैं और उड़कर समंदर के बीच एक टापू पर जाता है। वहाँ पर ढेर सारे सोने चांदी के सामान थे, वो सब देखकर हैरान हो जाता है सिंघम। तुम्हारा बहुत ही अच्छा दिल है मेरे दोस्त, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की थी, इसीलिए तुम्हें जो चाहिए वो और जितना चाहिए उतना यहाँ से लेकर जा सकते हो मेरे दोस्त। वो बातें सुनकर काफी खुश होता है सिंघम। उसके बाद उसे जितना सोने की जरूरत थी सिर्फ उतना ही वहाँ से ले लेता है। उसके बाद वो सांड उसे सही सलामत लेकर उड़कर वहाँ से सिंघम को उसके घर के पास छोड़ देता है और वापस चला जाता है।
ऐसे लाए हुए खजाना से अपना व्यापार शुरू करके अपनी पत्नी इलाज अच्छे से करवाते हुए अपनी जिंदगी सुकून से गुजारने लगता है सिंघम। उसे देखकर रजनी, इसके पास अचानक से इतना पैसा कहाँ से आया? वो भी इतना उठना नहीं, वो तो एकदम से धनवान ही बन गया है। ये कहते हुए चलाकी से जो कुछ भी हुआ वो सारी बात सिंघम से जान लेता है रजनी। उसके बाद, इसका मतलब मैं भी अगर उस सांत की मदद करूं तो वो मुझे भी उस खजाने के पास लेकर जाएगा। ये कहते हुए वहाँ से गुजर रहे उस सांत को देखकर रजनी, जब तक मैं इस सांत की मदद नहीं करूँगा ये मुझे उस खजाने के पास नहीं लेकर जाएगा। उसकी मदद करने के लिए उसे कोई चोट नहीं लगी है, इसका मतलब मुझे ही कुछ करके इसे घायल करना होगा। ये कहते हुए अपने रास्ते सुकून से जा रही उस सांप को एक बड़े से पत्थर से पीछे से मारता है। तब वो गाय जोरों से चिल्लाने लगती है बिल्कुल अनजान बनकर। रजनी उसके पास जाकर, अरे तुम्हें इतनी गहरी चोट कैसे लगी है? आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहते हुए उसे अपने घर ले जाकर अजीब सी पत्ती बांधकर इधर उधर से उठाया हुआ पानी देकर कीचड़ में लूटफुट थोड़ा सा घास लाकर डालता है। अगले दिन सुबह, सांजी मेरा पूरा व्यापार नुकसान में चल रहा है, ऐसे ही चलता रहा तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जैसे आपने सिंघम की मदद की थी वैसे ही मेरी भी मदद कर दो ना, मुझे भी वहाँ पर ले जाइए। ठीक है कहकर उसे अपने ऊपर बिठाकर वहाँ पर ले जाता है। लेकिन वहाँ पर सोने चांदी के जेवर नहीं थे, सांप बीचू और राक्षस थे। अरे बाप रे, ये कहाँ लेकर आ गया है तुमने मुझे? यहाँ पर तो सिर्फ मौत है। बेवकूफ, ये वो जगह नहीं है, मुझे तुरंत वापस मेरे घर ले चलो। सिंघम ने मुझे बिना किसी स्वार्थ के बचाया था, इसीलिए उसे वो सब मिला था। लेकिन तुमने उसे जो मिला उसके खातिर मेरी मदद करना चाहते थे, फिर भी तुमने ना मुझे अच्छा घास डाला ना ही साफ पानी दिया, बल्कि तुमने मुझे पत्थर से मार घायल कर दिया। ये कहते हुए रजनी कितनी विनती करने पर भी उसकी बात सुने बिना उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से उड़ जाता है वो सांड।